गुड मॉर्निंग, मायसेल्फ यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराणा। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर का सिलेबस में है, जिसका सब्जेक्ट कोड है EL 303। हम इस सब्जेक्ट के चैप्टर सेकंड, जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन है, जिसका नाम, उसका अध्ययन कर रहे थे। तो लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, यानी बेसिक आइडिया ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, ASK क्या होता है, ASK को कैसे जनरेट किया जाता है, ASK को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, कैसे रिसीव किया जाता है, ASK की वेवफॉर्म क्या होती है और ASK की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो लास्ट के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। तो आज के जो लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक आइडिया ऑफ PSK। PSK यानी फेज शिफ्ट किंग। तो जो तीन प्रकार के जो हमारे किंग बताई थी हमने, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक जो बताई थी, वो ASK, PSK एंड FSK। तो उसके ASK हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो रहेगा वो PSK की, PSK की डेफिनेशन क्या होती है, PSK को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है या जनरेट कैसे किया जाता है, PSK को रिसीव कैसे किया जाता है, तथा PSK की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा PSK, इसके बारे में हमें सारी चीज़ें देखनी। तो PSK क्या होता है, PSK की पहले तो फुल फॉर्म जो कि बताई थी कि ये आप जैसा कि देख पा रहे हो फेज शिफ्ट किंग, जिसे हम क्या कहते हैं एब्रीवेशन में PSK कहते हैं। तो PSK की डेफिनेशन क्या है कि PSK इज ए डिजिटल मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन विच या विच कन्वेज डेटा बाय चेंजिंग द फेज ऑफ रेफरेंस सिग्नल। कि ये एक वह डिजिटल मॉड्यूलन तकनीक है जो कि कैरियर संकेत का फेज बदलकर हमारी इंफॉर्मेशन को आगे भेजती है। यानी दूसरे शब्दों में यदि बताया जाए तो PSK वह डिजिटल मॉड्यूलन तकनीक है जिसमें हमारा मैसेज संकेत तो डिजिटल फॉर्म में होता है, यानी 1 और 0 के फॉर्म में होता है, तथा हमारा कैरियर संकेत एनालॉग फॉर्म में होता है। इस कैरियर संकेत का गुण कौन सा गुण, इस कैरियर संकेत का फेज हमारे मैसेज संकेत के अनुसार परिवर्तित होता है। तो PSK की डेफिनेशन क्या होगी कि PSK वह डिजिटल मॉड्यूलन तकनीक है जिसमें एनालॉग कैरियर का फेज हमारे डिजिटल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, PSK कहलाते हैं। तो डेफिनेशन में जैसा क्लियर हो गया कि इस मॉड्यूलन तकनीक में हमारा मैसेज संकेत किस फॉर्म में रहेगा, डिजिटल फॉर्म में रहेगा, यानी इन फॉर्म ऑफ 1 और 0, और तथा हमारा कैरियर संकेत किस फॉर्म में रहता है, एनालॉग फॉर्म में होता है, यानी साइनोसोडल सिग्नल रहेगा। और जबकि जब भी हम इसको ट्रांसमिट करेंगे तो इस साइनोसोडल संकेत का जो फेज है वो हमारे 1 और 0 के अनुसार परिवर्तित होता है। तो PSK टेक्निक इज वाइडली यूज्ड फॉर वायरलेस LAN, बायोमेट्रिक कॉन्टेक्टलेस ऑपरेशन अलोंग विद RFID एंड ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। तो ये PSK की एप्लीकेशन बताई गई है कि वायरलेस LAN में, बायोमेट्रिक्स में और कॉन्टेक्टलेस जो ऑपरेशन होते हैं उनमें, और RFID और ब्लूटूथ कम्युनिकेशन में PSK का यूज किया जाता है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है BPSK, यानी बाइनरी फेज शिफ्ट किंग। इसमें क्या होता है, ये क्योंकि हमारे मैसेज संकेत केवल 2 वैल्यू ले सकता है, कौन कौन सी, 0 और 1, तो हमारा जो कैरियर संकेत का फेज है वो भी 2 वैल्यू के बीच में वेरी करेगा। 1 के लिए जैसे
एक वैल्यू रहेगी, तो जीरो के लिए जस्ट उसके 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगी। तो इस तकनीक को हम कहेंगे बाइनरी फेज शिफ्ट किंग, कि हमारा जो मैसेज संकेत है वो केवल दो वैल्यू ले सकता है, क्योंकि हमने एक बिट का सिग्नल ट्रांसमिट किया हुआ है, तो एक बिट का या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। तो उसके अनुसार हमारा जो कैरियर संकेत का फेज है वो भी केवल दो वैल्यू के बीच में बदल सकता है, या तो वो जीरो रहेगा या उसका फेज शिफ्ट 180 डिग्री रहेगी। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि वन के लिए V1T A cos 2πfct को ट्रांसमिट किया गया है, जबकि जीरो के लिए V2T माइनस ए कोस 2πfct, यानी जस्ट माइनस का साइन आ गया, यानी जस्ट इसके 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। यदि साइनोसोडल सिग्नल साइन के रूप में लेंगे तो वन के लिए V1T हो जाएगा ए साइन ओमेगा सीटी, और जीरो के लिए हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा सीटी। तो ये जीरो यहाँ दर्शाया गया है, ये वन जहाँ पे भी जीरो और वन के में आपको ट्रांजिशन दिखेगा वहीं कैरियर का फेज आपको परिवर्तित हुआ दिखेगा। तो ये साइनोसोडल सिग्नल ऐसे चल रहा था, यहाँ जीरो से वन का ट्रांजिशन हुआ, तो इस टाइम पे आपको दिखेगा कि जस्ट ये नीचे जा रहा था सिग्नल, लेकिन ये नीचे जाते जाते वापस से मुड़ जाता है, और यानी 180 डिग्री जस्ट अपने फेज को क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा। तो जहाँ पे भी आपको जीरो और वन के बीच में ट्रांजिशन दिखेगा वहाँ फेज में 180 डिग्री का चेंज आपको दिखेगा। तो ये थी फेज शिफ्ट किंग की PSK की डेफिनेशन, कि PSK वह मॉडुलन तकनीक है जिसमें एनालॉग कैरियर संकेत का फेज हमारे डिजिटल मैसेज संकेत के अनुसार परिवर्तित होता है, तो वो क्या कहलाती है, PSK कहलाती है। तो अब इसका देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसका ट्रांसमीटर देखते हैं। तो ट्रांसमीटर की बात की जाए तो जैसा कि हमें बताया था कि इन PSK बाइनरी वन इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्चुअल कैरियर, कि बाइनरी वन को हम एक्चुअल कैरियर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड बाइनरी जीरो इज बाई 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ ओरिजिनल कैरियर। जैसा कि आप लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि बाइनरी वन को हमने एक्चुअल कैरियर यानी ए कोस 2πfct, और बाइनरी जीरो को हमने 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ कैरियर से यानी माइनस इसके आगे लगा हुआ था। तो ये हमने PSK में बताया है, या BPSK में ये होता है कि वन को एक्चुअल कैरियर से और जीरो को 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ ओरिजिनल कैरियर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम हमारा मैसेज को ये ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें कि एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का यूज किया गया है, जिसके एक इनपुट हमारा मैसेज संकेत होता है जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है, यानी फॉर्म ऑफ वन एंड जीरो के फॉर्म में होता है, और दूसरा संकेत हमारा कैरियर सिग्नल होता है AC cos 2πfct। तो सबसे पहले इस मैसेज संकेत को NRZ यानी इसको हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करना है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए हम NRZ टेक्निक का यहाँ पे यूज किया गया है, यानी नॉन रिटर्न टू जीरो। नॉन रिटर्न टू जीरो में क्या होता है, वन को हम पॉजिटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं तथा जीरो को हम नेगेटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारा मैसेज संकेत हमने लिया है 1010, तो वन के लिए पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, जीरो के लिए नेगेटिव वोल्टेज, फिर वन के लिए पॉजिटिव वोल्टेज, फिर जीरो के लिए नेगेटिव वोल्टेज। तो वन को पॉजिटिव वोल्टेज, जीरो आया है तो जीरो को नेगेटिव वोल्टेज, फिर वन को फिर से पॉजिटिव वोल्टेज, और जीरो आया है तो जीरो को नेगेटिव वोल्टेज। तो ये NRZ टेक्निक का यूज करके हमने पहले हमारे डिजिटल संकेत को इलेक्ट्रिकल संकेत में परिवर्तित कर लिया। तो यहाँ TB क्या है, बिट ड्यूरेशन, यानी एक बिट की कितना टाइम है उसको दर्शाया गया है, कि बिट ड्यूरेशन क्या ली हमने, TB टाइम की बिट ड्यूरेशन ली है। तो ये जब इनपुट में इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को दी जाती है तो ये AC cos 2πfct से मल्टीप्लाई होते हैं दोनों। तो जहाँ पे भी AC cos 2πfct इस वन से मल्टीप्लाई होगा, यानी वन के लिए क्या है, प्लस वन वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये एज इट इज मिलेगा हमें। तो वन के लिए हमारा जो सिग्नल हमने इसको कहा है कि S1T आएगा, वो क्या आ जाएगा, AC cos 2πfct एज इट इज आ गया, क्योंकि AC cos 2πfct को मल्टीप्लाई करेंगे वन
वोल्ट से यानी वन से, तो एज इट इज आएगा कि एसी कोस 2 पाई एफ सी टी। जैसे ही जीरो आया, जीरो के लिए हमने इसको मानना है कि एस टू टी आउटपुट आएगी, तो वो क्या आएगा, जब भी एसी कोस 2 पाई एफ सी टी को जीरो के क्रोस्पॉन्डिंग क्या है, माइनस वन वोल्ट है, तो जी ये माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसके आगे माइनस का साइन ही आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, जीरो के रिगार्डिंग माइनस एसी कोस 2 पाई एफ सी टी, या इसको हम लिख सकते हैं एसी कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस 180 डिग्री, क्योंकि जैसे ही 180 डिग्री के फेज शिफ्ट आती है तो ये क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, और क्वाड्रेंट चेंज होने पे ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो क्या हो गया ये कि 1 के क्रोस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलेगी एसी कोस 2 पाई एफ सी टी, तथा 0 के क्रोस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलेगी माइनस एसी कोस 2 पाई एफ सी टी, यानी 180 डिग्री के फेज शिफ्ट हमें प्राप्त हो गई। तो ये पीएसके के एक ट्रांसमीटर को दर्शाता है, जिसमें कि केवल और केवल हमें सिंपल प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज करना है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की एक इनपुट हमारा मैसेज संकेत रहेगा तथा दूसरी इनपुट हमारा कैरियर संकेत रहेगा। तो मैसेज संकेत को प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में इनपुट के रूप में देने से पहले उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए हमें नॉन रिटर्न टू जीरो एनआरजेड टेक्निक का यूज करते हैं। एनआरजेड में वन को प्लस यानी पॉजिटिव वोल्टेज से तथा जीरो को नेगेटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आउटपुट पे हमें पीएसके संकेत जनरेट होके मिलता है, या एग्जैक्ट कहें तो बीपीएसके संकेत, बाइनरी फेज शिफ्ट की। क्यों बाइनरी बी आगे क्यों लगा दिया इसके, कि इसमें केवल हमने एक बिट को ट्रांसमिट किया है और एक बिट की वैल्यू जीरो या वन हो सकती है। इसी प्रकार हमारे कैरियर के जो वैल्यू, वो फेज की जो वैल्यू रहेगी वो केवल दो वैल्यू के बीच में वेरी करेगा, या तो जीरो फेज शिफ्ट आएगी या 180 डिग्री की फेज शिफ्ट आएगी, यानी या तो ओरिजिनल संकेत आएगा या फिर हमारा माइनस लगा हुआ कैरियर संकेत आएगा। तो ये यहाँ पर इसके पहले हमारा जो संकेत था मैसेज संकेत 1010, उसको एनआरजेड टेक्निक से रिप्रेजेंट करते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित किया। ये हमारे कैरियर संकेत के वेवफॉर्म को दर्शा रही है। तो 1 के क्रोस्पॉन्डिंग आउटपुट एज इट इज मिलेगी, यानी जो कैरियर रहेगा यहाँ तक एज इट इज, तो ये यहाँ तक एज इट इज, और जैसे ही जीरो आएगा तो ये जस्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ से आगे क्या जान, जहाँ कर्सर मूव कर रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये जस्ट इसके उल्टी दिशा में यानी ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ शुरू हो जाता है। तो फिर ये कैरियर ऐसे चलता रहता है। फिर जैसे ही यहाँ जीरो और वन का जो ट्रांजिशन हुआ, ये यहाँ ये अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना था, लेकिन 180 डिग्री फेज शिफ्ट के कारण ये अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर कहें तो वन के लिए कैरियर एज इट इज आएगा, तो यहाँ जो है उसकी जस्ट हु बहू यहाँ जाएगा। तो यहाँ जो है उसका हु बहू यहाँ आ गया, यहाँ जीरो है, जीरो के लिए जस्ट ये जो कैरियर रहेगा इसका उल्टा, तो यहाँ ये अपवर्ड से शुरू हो रहा है ये ऐसे, तो ये डाउनवर्ड से शुरू होगा, यानी जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव आएगा फिर वहाँ पॉजिटिव, फिर जहाँ पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव। जस्ट इसकी मिरर इमेज यहाँ जीरो के लिए मिलेगी और वन के लिए एज इट इज मिलेगा। तो इस प्रकार हमारे आउटपुट पे हमें फेज शिफ्ट की प्राप्त होती है, यानी पीएसके संकेत प्राप्त हो जाता है। ये इसकी वेवफॉर्म को यहाँ दोबारा से नई स्लाइड में इसको रिप्रेजेंट करके दर्शाया हुआ है। ये 1011 ऐसे, यानी ये कोई बाइनरी डेटा था, इसको एनआरजेड का यूज करते हुए इस रूप में रिप्रेजेंट कर लिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये हमारे कैरियर संकेत को दर्शा रहा है। तो ये हमारा बीपीएसके या सिग्नल हो जाएगा। तो ये 1 के लिए एज इट इज कैरियर, 0 के लिए जस्ट इसकी मिरर इमेज, फिर एज इट इज कैरियर, फिर 1 के ऊपर देखोगे, देखो ये दो 1 कंजुकेटिव आए हैं, तो यहाँ कोई बदलाव नहीं मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको फेज शिफ्ट में कोई बदलाव नहीं मिलेगा एज इट इज, जैसे 0 आएगा तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। इस प्रकार ये पूरी वेवफॉर्म हमें प्राप्त होती है। तो ये 0 फेज शिफ्ट, ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ये फिर जैसे 1 आया है तो 0 फेज शिफ्ट, ये 0 फेज शिफ्ट, फिर ये 180, फिर 0, फिर 180, फिर 0, ये
अकॉर्डिंग टू 1010 क्या है उसके अनुसार हमारे फेज शिफ्ट को इसमें दर्शाया हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारा वो देखना है कि फेज शिफ्ट की का रिसीवर कैसा होता है। तो ये पीएसके के रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम को दर्शाया हुआ है। तो रिसीवर में हमारा क्या रहेगा कि ये पीएसके संकेत मिल रहा है जो वन को हमने एस वन टी ए सी कोस टू पाई एफ सी टी रिप्रेजेंट किया था, जीरो के क्रॉस्पॉन्डिंग एस टू टी ए माइनस ए सी कोस टू पाई एफ सी टी हमारा आया था। तो जैक्स एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज किया जिसकी एक इनपुट तो हमारे पीएसके संकेत है तथा दूसरी इनपुट हमने कैरियर संकेत लोकल कैरियर संकेत यूज किया है एसी कोस टू पाई एफ सी टी जो कि हमारे सिंक्रोनस कैरियर है, यानी जो ट्रांसमीटर पे यूज किया है वही कैरियर हमने यहाँ यूज किया है। तो वन के क्रॉस्पॉन्डिंग ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एसी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टू पाई एफ सी टी, तो एसी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टू पाई एफ सी टी, जीरो के क्रॉस्पॉन्डिंग ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एसी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टू पाई एफ सी टी। तो वन के लिए इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की आउटपुट आ गई ए सी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टू पाई एफ सी टी तथा जीरो के लिए इसकी आउटपुट आ गई माइनस ए सी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टू पाई एफ सी टी। तो अब इसको हमें एक लो पास फिल्टर से गुजारते हैं। तो लो पास फिल्टर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये केवल लो फ्रिक्वेंसी संकेत को पास होने देता है जबकि हाई फ्रिक्वेंसी संकेत को ब्लॉक कर देता है। तो कोस स्क्वेयर 2 पाई एफ सी टी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 प्लस कोस 4 पाई एफ सी टी डिवाइड बाई 2। तो कोस स्क्वेयर एक्स का हमने फॉर्मूला यूज कर लिया है यानी 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2। तो ए सी स्क्वेयर इन दोनों के बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक हो जाएगा ए सी स्क्वेयर बाई 2 और एक हो जाएगा ए सी स्क्वेयर बाई 2 कोस 4 पाई एफ सी टी। तो कोस 4 पाई एफ सी टी टर्म इस लो पास फिल्टर में से पास नहीं होगी क्योंकि वो ये 2 पाई एफ सी टी तो ये है और उसकी भी जस्ट डबल होगी यानी हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो उसको ये क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा और केवल डीसी टर्म यानी एसी स्क्वायर बाई 2 को ही पास होने देगा। तो 1 के क्रॉस्पॉन्डिंग लो पास फिल्टर की आउटपुट आती है हमारे पास एसी स्क्वायर बाई 2 जबकि 0 के क्रॉस्पॉन्डिंग आएगी सिमिलरली इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 के क्रॉस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगी माइनस एसी स्क्वायर बाई 2। तो ये लो पास फिल्टर की 1 और 0 के क्रॉस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगी। अब इसको एक थ्रेशोल्ड कंपैरेटर से गुजारा जाता है। तो थ्रेशोल्ड कंपैरेटर की एक इनपुट तो लो पास फिल्टर की आउटपुट होगी जबकि दूसरी इनपुट इन दोनों की एवरेज होती है। तो इन दोनों की एवरेज जब निकालेंगे ए सी स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस ए सी स्क्वायर बाई 2 तो ये एवरेज हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 0। तो एवरेज यानी दूसरी इनपुट क्या होगी 0। तो थ्रेशोल्ड कंपैरेटर की जब लो पास फिल्टर की एक इनपुट तो ये होगी और जबकि दूसरी इनपुट 0 होगी तो थ्रेशोल्ड कंपैरेटर इस 0 के साथ इन इनपुट को कंपेयर करता है। यदि ये 0 से बड़ी है आने वाली इनपुट तो हमारा मैसेज संकेत जो था वो 1 था और यदि ये आने वाली इनपुट 0 या थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो भेजा गया संकेत क्या था 0 था। तो ये पीएसके के रिसीवर को दर्शाया गया है जिसमें कि 3 ब्लॉक हैं, एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, दूसरा ब्लॉक लो पास फिल्टर और तीसरा ब्लॉक थ्रेशोल्ड कंपैरेटर। तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर सबसे पहले कैरियर से उनको दोबारा से मल्टीप्लाई करता है तो 1 के क्रॉस्पॉन्डिंग ए सी स्क्वेयर को स्क्वेयर टू पाई एफ सी टी जबकि 0 के क्रॉस्पॉन्डिंग माइनस ए सी स्क्वेयर को स्क्वेयर टू पाई एफ सी टी हो जाता है। लो पास फिल्टर लो फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा और हाई लो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा जबकि हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है। तो 1 के क्रॉस्पॉन्डिंग हमें केवल डीसी वैल्यू मिलेगी ए सी स्क्वायर बाई 2 जबकि 0 के क्रॉस्पॉन्डिंग मिलेगी माइनस ए सी स्क्वायर बाई 2। और थ्रेशोल्ड कंपैरेटर इनको 0 से कंपेयर करेगा, 0 क्यों, क्योंकि इन दोनों की एवरेज जब लेंगे तो उसका मान निकल के आएगा 0। तो यदि ये भेजा गया संकेत 0 से बड़ा है यानी ये पॉजिटिव है तो भेजा गया संकेत क्या हमें देगा ये आउटपुट कि 1 था और यदि ये 0 से छोटा है यानी माइनस में है तो भेजा गया संकेत क्या था 0 था। तो इस प्रकार हमें संकेत डिटेक्ट हो जाते हैं कि 1 और 0 जो भी था उसके अनुसार हमें आउटपुट पे 1 और 0 की प्राप्ति हो जाती है। तो ये फेज पीएसके के रिसीवर को यहाँ दर्शाया गया है। तो इस प्रकार हम पीएसके सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं पीएसके की डेफिनेशन क्या होती है, पीएसके की वेवफॉर्म कैसी होती है, पीएसके को जनरेट कैसे करते हैं और पीएसके को डिटेक्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट है इसकी एडवांटेज एंड
डिसएडवांटेज। तो बीपीएसके इज लेस ससेप्टेबल टू एरर देन एएसके, यानी ये एएसके की तुलना में इसमें जो एरर होते हैं वो कम होते हैं। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ, दोनों की बैंडविड्थ सेम होती है, हालांकि इसमें एफिशिएंट यूज किया जाता है बैंडविड्थ का, कैसे कि हायर डेटा रेट इसमें संभव होता है पीएसके में। डिसएडवांटेज रहेंगी कि मोर कॉम्प्लेक्स डिटेक्शन प्रोसेस देन एएसके एंड एफएसके, कि इसका डिटेक्शन एएसके की तुलना में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। रैपिड एम्पलीट्यूड चेंज बिटवीन सिंबल्स ड्यू टू फेज डिसकंटिन्यूटी, फेज में बदलाव होने के कारण हमारे एम्पलीट्यूड में लगातार बदलाव होता रहता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा चलता रहता है, यानी एम्बिग्यूटी इन द आउटपुट सिग्नल, कि आउटपुट सिग्नल में एम्बिग्यूटी होती है हमारी। ये इसके कुछ हमने डिसएडवांटेज और एडवांटेज को देखा। एप्लीकेशन हम स्टार्टिंग में इसके पढ़ चुके थे कि वायरलेस लैन में, ब्लूटूथ एंड आरएफआईडी कम्युनिकेशन में, और जो बायोमेट्रिक हैं इनमें हमारे पीएसके संकेत का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी बेसिक आइडिया ऑफ फेज शिफ्ट की पीएसके में की डेफिनेशन क्या होती है, पीएसके की वेवफॉर्म कैसी दिखती है, पीएसके का हमारा वो ट्रांसमीटर या जनरेट कैसे करते हैं, पीएसके को डिटेक्ट कैसे करते हैं, ये इसमें हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। असाइनमेंट की जहाँ तक बात की जाए तो आपको असाइनमेंट करना है कि एक्सप्लेन पीएसके सिग्नल की या फेज शिफ्ट सिग्नल को, पीएसके फेज शिफ्ट किंग को समझाइए, जिसमें आपकी उसके डेफिनेशन, उसके जनरेशन, डिटेक्शन एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताना है, जो हमने आज के लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। इसे आप हमारी ईमेल आईडी जो है असाइनमेंट की gpcnelectronics@gmail.com पर सबमिट करना है, विद इन 7 days आपको ये सबमिट करना होता है। यदि आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पर इसको क्यूरी को रेज कर सकते हैं, उसको आपको क्यूरी को सोल्व किया जाएगा। धन्यवाद।